यूनिफॉर्मस की, हमारा नहीं है। रिफॉर्मेस की रिएक्शन, इसमें बहुत रिएक्शन है ना इस चैप्टर में। अब जो नेम 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 उनको तो छोड़ नहीं सकते, उनको कराना ही पड़ेगा। वैसे मैंने विदाउट नेम भी कराई दी है, छोड़ा कुछ नहीं। दिमाग में आ जाता है। चलो रिफॉर्मर्स का रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगा? हेलोजिनेटेड एस्टर से। कहां से शुरू होगा रिएक्शन? हेलोजिनेटेड एस्टर से। हेलोजिनेटेड एस्टर जिंक से रिएक्ट करेगा, बनाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सब लोग जानते हैं ना, कार्बन से बॉन्ड बनता है किसका? मेटल का। तो इसलिए क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा और फिर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, ठीक है? और कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके ये बनाएगा आपका कंपाउंड, जिसमें जो आपका स्टेप है वो याद रखना है कि कार्बोनिल, जब आप प्रोडक्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? कार्बोनिल का ओ हटा दीजिए, ओ रिमूव कर दीजिए और CH COH बना दीजिए। हाँ, और वो उस कंपाउंड में आपको प्रोडक्ट जब लिखना है इस कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके इस ऑर्गेनोमेटलिक का, तो ये मैकेनिज्म नहीं है। प्रोडक्ट में क्या याद रखना है कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसका ओ हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? डबल बॉन्ड CH COOH, डबल बॉन्ड CH COOH। हाँ, इसको लगाना है तो रिफॉर्मेटिस्काई रिएक्शन के क्या बन जाएंगे? रिफॉर्मेस की रिएक्शन के क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट। अब इक्वेशन लिख के बताती हूँ तो ये बात समझ में। हाँ, रिमूव ओ एंड एड, हाँ एंड एड डबल बॉन्ड CH COH। हाँ, एसिड एसिड सॉल्ट वो तो निकल जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट है। हो गया, बताएं क्या लेना है? हेलोजिनेटेड एस्टर। एस्टर क्या होते हैं? आर आर ओ आर एस्टर होता है कि ईथर होता है? क्या फिर से बोलो जो बोल रहे हो? ओ सी नहीं आएगा बीच में कहीं? सी नहीं आएगा यहाँ पे? सी है ही नहीं, सी का नाम लिया आपने कहीं? मैं बहुत तेज
यहाँ जितने लोग आगे बैठे हैं ना उनको चाटा पड़ने वाला गलत आंसर का। एस्टर दिखाई दे रहा है, हेलोजिनेटेड एस्टर दिख रहा है, वो भी कैसा दिख रहा है, अल्फा हेलोजिनेटेड दिख रहा है। ये एस्टर है तो ये कार्बन अल्फा हो गया, तो अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर दिख रहा है। ठीक है, पहले ये रिएक्ट करता है जिंक से, किससे रिएक्ट करेगा, जिंक से। तो जिंक से रिएक्ट करेगा तो जिंक क्या होता है, इनके बीच में सिंपल मैकेनिज्म मत याद रखो, ये याद रखो जिंक इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन जाएगा। तो कैसे बनेगा भैया, यहाँ पे जिंक आ गया CH2 COO C2H5, ये क्या बन गया, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। हाँ ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन गया, यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरे स्टेप को कैसे, अब आना है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, दूसरे स्टेप को कैसे याद रखना है आपको, सेकंड स्टेप को, जैसे हम लोग बात करते थे RMGX में, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, कि ये पॉजिटिव बनता है और ये क्या बनता है, नेगेटिव, ये बात याद है सबको। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये पार्ट बन जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब ये नेगेटिव बन जाएगा और इसके पास कौन आया, मान लो कि फॉर्मेल्डिहाइड आया, कौन आया इसके पास, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करने के लिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करने के लिए आएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके इस सेंटर पे ये आकर के जुड़ेगा, इसके इस सेंटर पे कौन जुड़ेगा, जैसे वहां पे एल्डोल में भी तो ये CH2 कार्बन आयन जुड़ रहा था ना, तो ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट इस पे पॉजिटिव वाले पे आकर के जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, अब जोड़ के प्रोडक्ट बना दो सीधे सीधे। यहाँ पे अगर हम लोग जोड़े तो इसको इसको लाके जोड़ दो, अगर ठीक है, और उधर वाला O माइनस बन जाएगा, उधर वाला क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा, और O माइनस बनेगा तो उसके पास H प्लस आ करके H अटैच हो जाएगा, जैसे एल्डोल में भी O माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता था, OH में हो जाता था ना, वैसे ही BrZn इस पे, क्योंकि मैकेनिज्म ये नहीं कह रही है, मैकेनिज्म कह रही है कि मेटल जो है वो अलग हो जाएगा। मीडियम इसमें लेते हैं एसिडिक, हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं, वो सॉल्ट के फॉर्म में अलग होगा। ठीक, ये बन गया, यहां तक का बनना सबको क्लियर है। अब क्या होगा, एसिड बनाना है हमको, हमको क्या बनाना है, एसिड बनाना है। तो एसिड बनाने के लिए अब क्या होगा अगले स्टेप में, वाटर आएगा इसके पास, वाटर आएगा इसके पास। ठीक है, ये हटेगा यहाँ से, ठीक है, और ये हटने के बाद आपका ये बना लेगा, अगर हम इसको ब्रेक करें ऐसे कुछ,
अब ये बनाना है हमें, ये कैसे बन सकता है, इसकी मैकेनिज्म सोचो। एक C2H5OH भी निकलेगा इसमें। एक C2H5OH भी निकल जाएगा। कैसे बन सकता है? हाँ, एल्डोल टाइप ही हो रहा है। हाँ तो बनाओ ना प्रोडक्ट। अब क्या होना चाहिए? हो हम देख रहे हैं, बोलिए आप। इसका ये जूता पहने मैंने। चलो दूसरा बताओ, दूसरे तरह से सोचो, ऐसी बात नहीं करते, गलत बात है। कोई टीचर आपको मारता नहीं है, फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हो? नेगेटिव इमेज हो जाती है ना हमारी। लेडी टीचर से भी कोई कोई भेदभाव नहीं। चलो इसको इसको सोचो और बनाओ जल्दी से। नहीं, ये सब बात है नहीं। तुम्हारी आवाज ऐसे ही, तुम नहीं बोलो। चलो हाँ, मेरी वो करवाओगे तुम लोग, यहाँ से OH निकल जाए और यहाँ से H निकल जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाँ तुमने भी यही कही थी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये मामला तो यहाँ तक का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आ गए, ये क्यों हो रहा है? आप ठीक है? यहाँ का देखो डबल बॉन्ड तो ऐसे ही आएगा, यहाँ का ओ एच हटा, यहाँ का एच हटा, तो यहाँ पे तो आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ तक की बात ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट हमको बनाना है C2H5OH, तो ये कैसे बन सकता है? अगर यहाँ का बॉन्ड कुछ स्प्लिट हो, ये मामला कुछ स्प्लिट हो, अगर ये स्प्लिट होता है तो इसके पास एच, नहीं एल्डिहाइड नहीं, अच्छा एस्टर को, एस्टर की हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिड मिलता है ना, तो हाइड्रोलिसिस तो हम करा ही रहे हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना, और ये एस्टर ग्रुप है तो एस्टर ग्रुप से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। भाई एस्टर बनता भी वैसे ही है,
एसिड और अल्कोहल से ही तो बनता है, तो यहां से ये अल्कोहल बन गया और ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, अब क्लियर है, अब क्लियर है। प्रोसेस क्या हुआ, ये जो एस्टर ग्रुप था इसकी हो गई हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल बनता है, तो ये सीओएच ग्रुप बन गया और ये अल्कोहल। ठीक, तो आप प्रोडक्ट लिख लेंगे इसके, अगर आपको कोई रिएजेंट दे दिया जाए तो प्रोडक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो रिएजेंट था CH2O, ये था CH2O के ऑक्सीजन को हटाया और क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड CH COH, डबल बॉन्ड CH COH लगा दिया। ठीक है, अगर रिएजेंट यही सेम टू सेम हमने लिए हैं तो, अगर कोई बड़ा एसिड लो, बड़ा एसिड का एस्टर ले लोगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर यहाँ पे CH2 एक और ऐड हो गया तो बीटा हेलो एस्टर की रिएक्शन ये नहीं है, ये किसकी रिएक्शन है, अल्फा हेलोजेनेटेड एस्टर की ही रिएक्शन है। ठीक है, तो जो एस्टर दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा, अल्फा हेलोजेनेटेड। इसीलिए रूल लिख दिया गया सीधे सीधे कि जब प्रोडक्ट आपको लिखना है तो कार्बोनिल कंपाउंड का डबल बॉन्ड ओ हटा दो और डबल बॉन्ड CH COH बना दो, रिफॉर्मेट का रिएक्शन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, तो एक दो रिएजेंट जो आए हुए हैं वो बता देते हैं इसके। जल्दी फास्ट, फास्ट करो, आपने नोट कर लिया। रजत क्या बात है, अभी पानी पीना है, सामने माइक है तो माइक तो हटाना ही पड़ेगा ना, किसको भी ना ला दें। हो गया सारान, तुमने नोट कर लिया पक्का, चलो प्रोडक्ट बनाओ, चलो प्रोडक्ट लिखो जरा सा। इसी की रिएक्शन हो रही है Me2CO से, CO से MeCH डबल बॉन्ड O से रिएक्शन हो रही है BrCH2COOET+ZN, ऐसे लिखा हुआ है जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्यों 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 ऐसा क्यों कह रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना बाद में, और हीट, हीट से पानी नहीं निकाल दिया, हीट से डबल बॉन्ड लाए, एलिमिनेशन हुआ, प्रोडक्ट बना दिया। लिखो प्रोडक्ट जल्दी से, तो आपको क्या समझना है, हेलोजिनेटेड अगर एस्टर है, अल्फा हेलोजिनेटेड और जिंक दिखाई दे रहा है, तो कौन से रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, रिफर्मस काई रिएक्शन। ठीक है, Me2 हटा दिया और क्या लगा दिया यहाँ पे, Me2 रखा और क्या लगा दिया यहाँ पे, यही तो लगाना है, यही प्रोडक्ट इसी से तो बनेगा जी। नहीं, रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखिए, ऊपर वाले के प्रोडक्ट लिख लिए थे, ऊपर वाले के प्रोडक्ट लिख लिए थे, ठीक
ये वाला कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को देखो जरा ऊपर वाले को, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, कर सकता है ना। तो यहाँ पे रिफॉर्मर्स का रिएक्शन करके फिर सिस ट्रांस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अगली करिए। याद क्या रखना है, डबल बॉन्ड ओ को हटा करके डबल बॉन्ड, या ओ को हटा करके सी एच सी ओ एच लाना है ना। बस प्रोडक्ट ऐसे ही लिख देंगे, जैसे मान लो ये ले लें बेंजल्डिहाइड, क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, रिएजेंट सेम टू सेम लगाए हैं सारे के सारे, तो क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड ओ हटाना है और क्या लगाना है, सी एच सी ओ एच, इसको बोलते हैं सिनामिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं ये, सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब एसिड इंपॉर्टेंट है तो पूछ सकते हैं, ये भी शो कर सकता है सिस ट्रांस, सिस ट्रांस कर सकता है ना। दो ग्रुप सेम हो गए, दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की तरह, और एक सीओएच और एक बेंजीन रिंग। ठीक है भैया, इतना टाइम क्यों लग रहा है बनाने में, की पॉइंट भी पता है तो भी टाइम लग रहा है। याद क्या रखना है, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर से जिंक दिखाई दे, हाइड्रोलिसिस हो रही हो, और कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई दे, तो कार्बोनिल कंपाउंड का ओ हटा दीजिए, सी एच सी ओ एच लगा दीजिए, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा जी। हाँ क्या 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 क्या, इसको इंटरमीडिएट हो गया ना, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट ही हुआ भाई ना, रिएक्टेंट है, बीच में ला रहे हैं ना, जिंक जब आ रहा है तब बन रहा है ना, बीच में बन रही है ना वो चीज, काइंड ऑफ इंटरमीडिएट ही कह सकते हो, रिएक्टेंट तो अल्फा हैलोजिनेटेड एस्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और कर लो, कहाँ से आते हैं इतने सारे। मैकेनिज्म नहीं चाहिए इसका, है ना, फेवरस की रिएक्शन, फेवो रस्की। हाँ जी, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर था, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन, क्या आ गया, वहां पे था अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर, यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन। रिएक्शन करवाएंगे इसकी OH माइनस से, बेसिक मीडियम आ गया, OH माइनस से करा दो, RO Na से करा दो या RNH2 से करा दो। हेलो एल्केन, क्यों, देखो भैया देखो देखो ध्यान से, फॉर्मूला तो लिख दूँ, रुक जाओ फॉर्मूला तो लिख दूँ, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर का क्या मतलब होता है, कीटोन का मतलब, कीटोन की अल्फा पोजीशन पे क्या लगा दो, हेलोजन, हेलोजन लगा दो। ठीक है, अगर इससे रिएक्शन हो रहा है किसका, बेसिक मीडियम से OH माइनस से, या RONA से, या RNH2
NH2 से, तो तीन रिएजेंट में तीन प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें OH माइनस लगा हुआ है उसमें सीधे सीधे पांच कार्बन की रिंग पे COH बन जाएगा, जिसमें RONA लगा हुआ है उसमें पांच कार्बन की रिंग पे सीधे सीधे COOR बन जाएगा, मतलब एस्टर बनने वाला है, इसमें एसिड इसमें एस्टर, ये RNH2 है तो यहाँ पे बन जाता है आपका पांच कार्बन की रिंग के ऊपर ही CONHR। CONHR रिएक्शन कौन सा है, कौन सा रिएक्शन है, फेवरस्काई भैया जी, छह कार्बन की रिंग से का बन गया पांच कार्बन की रिंग, क्या क्या हुआ देखते हैं। इसमें लिख लीजिए ऊपर की तरफ रिएक्शन, OH माइनस पे क्या है, डबल बॉन्डो पे अल्फा हेलो कीटोन है, हाँ रिंग भी कम हो रही, बता रहे हैं ना क्या हो रहा है रिएक्शन में, क्या होता है साइक्लो साइक्लो प्रोपेनोन इंटरमीडिएट बनता है, अनस्टेबल, की पॉइंट है साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बनता है, इस साइड नहीं एक ही बात है, उससे क्या प्रॉब्लम, उसमें कहाँ अल्फा है, उसकी बात कर रहे हो ना, कहाँ अल्फा है, सब पांच की पांच पोजीशन सेम है, किधर लगा, क्या किसकी बात कर रहे हो, तो किसको अलग कहीं और लगाने की बात कर रहे हो, हाँ, वो अल्फा क्यों होगा ये ना, हाँ ये तो अल्फा होगा ही ना, जस्ट एडजेसेंट तो अल्फा ही हुआ ना, अगर CONH की रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, बनाया जाए, बनाया जाए मतलब प्रोडक्ट तो मालूम ही है, अब क्या करना है, थोड़ी सी मैकेनिज्म पे गौर फरमा लिया जाए कि कैसे बनेगा, चलो भैया फेवरस की रिएक्शन, पंगे पंगे सारांश एकदम, अब जोश में है सारांश जी, OH माइनस आया H प्लस को ले गया, ठीक है
इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, एच प्लस चला गया, एच प्लस ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, माइनस चार्ज बन गया, माइनस चार्ज बन गया तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन अटैक करेगा किसी के ऊपर, कार्बन आयन, सॉरी कार्बन आयन बन गया, कार्बन आयन अब अटैक करता है, ठीक है, कार्बन आयन का अटैक करवा देते हैं, किस कार्बन पे करवाएं, क्या सोचते हो आप, कार्बन आयन का अटैक होता है इसमें, हमें क्या, कौन सी रिंग बनानी है, कौन सी बनानी है, साइक्लोप्रोपेनोन, तीन कार्बन की रिंग बनानी है, तीन कार्बन की रिंग जिसमें क्या होना चाहिए, प्रोपेनोन बन रहा है मतलब कीटोन को टच नहीं करना है, कीटोन तो है ही, है ना, तो ये वाला जो निगेटिव चार्ज वाला, यहाँ ये जो कार्बन है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या फायदा मिलेगा, क्या सोचते हो, जो चीज अटैक करती है तो इस, और जिसके ऊपर अटैक करती है उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता, बॉन्ड ही तो बनता है, अटैक करने का क्या मतलब है, जुड़ना, अब जुड़ेंगे भाई, तो जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो प्रोपेनोन तो रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ से जुड़ गए, अब ये यहाँ से जब जुड़ जाएंगे एक बॉन्ड, तो इस कार्बन पे एक दो तीन, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है भी, चार बॉन्ड इसके पास थे, अब यहाँ पे एक और बॉन्ड आ गया इधर से ये वाला, तो पांच बॉन्ड हो गए, तो पांच बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, ये सी एल माइनस निकल लेगा, सी एल क्या होगा, निकल जाएगा, सी एल कैसे बाहर आ जाएगा, सी एल माइनस की तरह, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ से ये जुड़ गया, और कोई दिक्कत, कुछ और आना चाहिए, नहीं अभी अभी इस टाइम पे कुछ और आना चाहिए, स्ट्रक्चर में कुछ कमी है, जल्दी से बताइए, जी सेम चेन जो सेचुरेटेड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां से सीएल को हटा दिया, जहां पे उस इलेक्ट्रॉन को हम यूज कर रहे थे जिस बॉन्ड को बनाने के लिए, सीएल को हटाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, तो हटा दे रहे ना, अगले में हट गया ना, सीएल तो हट गया, अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसका पुल काम करेगा, मीडियम बेसिक है ना, तो ये प्रोडक्ट जो बना हमारा, ये साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसको लिख लो साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट, एक बार लिख लिया तो जहां स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां नहीं लिखेंगे, लिखवा दिया लिखवा दिया लिखवा दिया, लिखो अब देखो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है ना, तो अब क्या होता है, ये वाली जो, ये वाला जो ग्रुप है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड क्या होगा, अब
ये बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, या इसी को बोलते हैं रिंग ओपनिंग। क्या हो गई? क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब क्या हो गई? रिंग की ओपनिंग हो गई। अब रिंग ओपनिंग होगी तो क्या होगा? बेसिक मीडियम अभी भी हमारे पास बना हुआ है। हाँ जी जी ऑक्सीजन को क्या लेके जाना चाहिए था? यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए था। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या फायदा मिलेगा? हाँ, तो उसी पे थोड़ी जाना है। एटम है वही खींचता है। अगर ये इधर जाती तो अच्छा होता, ये कह रहे हैं। अगर ये रिंग रिंग ओपन भी हो जाए तो भी, रिंग की ओपनिंग भी शो कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि ये खींच रहा है इधर, इस पे पॉजिटिव थोड़ा सा, तो ये ओपन होके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, इस पे आ जाए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रिपल्शन नहीं होगा? ओ कहाँ निकल रहा है? ओ है, ओ माइनस के फॉर्म में बना हुआ। हाँ वो तो है ही, वो थोड़ी निकल रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 5 कार्बन का COH, या 5 कार्बन का COR, 5 कार्बन का CONHR। ठीक है, RNH2 है ये वाला, तो एक H हट करके क्या आ रहा है? ये पूरा ग्रुप यहाँ पर के आ करके अटैच हो जा रहा है। इसका मतलब क्या करना है हमको? कि हमको इसी तरीके से सोचना, क्योंकि अगर तुम यहाँ करते हो, इधर से इधर करते हो, तो इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर रिंग इस तरीके से ओपन करते हो तो रिंग कैसे ओपन होगी? ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, रिंग खुल जाएगी, रिंग ओपन हो गई। OH मीडियम हमारे पास है, ठीक है, बेसिक मीडियम हमारे पास है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड था यहाँ पे, अब बन जाएगा एसिडिक ग्रुप। और ये रिंग अगर ओपन हो गई तो अब क्या सोचते हो? अब क्या बनना चाहिए? ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, दो, और अगर यहाँ पे COH क्रिएट हो गया तो ये वाली रिंग खत्म, और 1 2 3 4 5 की रिंग, ये खुल गई यहाँ से रिंग, ये ओपन हो गई। ठीक, ये ओपन हुई तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से ये वाला जो है, ये C और ये C डबल बॉन्ड हो गई। ठीक, ये वाला स्टेप लिख लेते हैं, लिखो, ये 5 ऐसे ही, ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे क्या है? सी डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है? COOH बनाना है। तो अब कैसे सोचते हो क्या बन सकता है इस नेगेटिव चार्ज को देखते हुए? और जब ये रिएक्शन होता है, जब इधर रिंग ओपनिंग होती है ना, तो उसी में मेन वाइल यहाँ पे बन जाता है COOH। ये जो CO ग्रुप है, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH ग्रुप मेन वाइल ये बन जाता है COOH। ठीक है, अब फिर से इसी में एक तरीके से इंटरमोलिकुलर सारी चीजें हो रही हैं। OH माइनस बाहर से आ रहा है, H प्लस बाहर से आ रहा है, बाकी सब क्या हो रहा है? इसी रिंग के अंदर हो रहा है। अब ये जो H प्लस है, ये आकर के इस पे अटैच हो जाएगा। ये H प्लस अगर आकर के इस पे अटैच हो गया तो इस माइनस इसका खत्म। अरे यहाँ पे अब H प्लस आकर के इधर अट, COOH कैसे बन गया? ये C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, C डबल बॉन्ड O था। अगर हम लोग इस बॉन्ड को ऊपर इधर ले जाएं तो O माइनस बन जाएगा, है ना? O माइनस अगर बन जाएगा तो इसके बाद अगर बेसिक मीडियम आता है तो
तो OH आएगा। अगर H प्लस आता है मान लो उसके पास, तो OH हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो फॉर्मेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये फॉर्मेट क्या हो जाता है? अल्कोहल वाला फॉर्मेट, ऑक्सीडाइज। और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा? COOH। देखो एक चीज और बता दूं इसके साथ साथ, यहाँ पे ये देखो एक चीज और ध्यान से सुन लो, तब बात समझ आ जाएगा। CHO ग्रुप है, इसको अगर ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग तो COH बन जाता है, ठीक है। लेकिन कीटोनिक ग्रुप को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह दे दें, क्लास देख लो ये ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर दे देते हैं, ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर वगैरह हाई कर दिए जाए, कंडीशन लगाई जाए, तो कीटोनिक ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये भी क्या बना लेता है? एसिड बना लेता है। लेकिन इसके एसिड फॉर्मेशन में हमको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C2H5 है, ठीक है। तो इससे दो तरीके के एसिड बनेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा और ये बना लेगा, ये वाला पार्ट एसिड बना लेगा और ये पार्ट भी एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट अगर एसिड बनाएगा तो क्या बनाएगा? CH3COOH, ठीक है। और अगर ये पार्ट एसिड बनाएगा तो ये बनाता है C2H5COOH। सबके साथ COH ग्रुप अटैच हो जाते हैं, ठीक। अब अगर कीटोन का करा रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, और कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। तो इसमें एक रूल आप याद रखना, क्या रूल याद रखना है हमको, कि जो स्मॉलर आर होगा ना, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, उसके साथ सी हो जाता है, गो विद सीओ। दोनों आपके सीओएच बनेंगे, ये भी सीओएच बनेगा और ये वाला भी C2H5 COH बनेगा, दो एसिड बनेंगे। लेकिन CO ग्रुप किसके साथ जाएगा? छोटे वाले के साथ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉप ऑफ्स रूल। कहीं सुना है? कौन सा रूल बोलते हैं इसको? पॉप ऑफ्स रूल। तो कीटोन ऑक्सीडाइज होकर के, ऑक्सीडाइज होते नहीं है, और अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या देंगे? एसिड, एसिड देंगे, ठीक है। और जो सबसे छोटा वाला, जो एल्काइल कीटोन में दो आर आर होंगे, जो छोटा होगा वो किसके साथ जाएगा? सीओ के साथ, एक एसिड बना दो, और जो बड़ा वाला होगा उसके साथ सीओएच बना, ठीक है। ये होती है अपनी कौन सी रिएक्शन? फेवरस की रिएक्शन, है ना। अब इसका एच प्लस यहां आ जाएगा, इसको सेचुरेट करेगा और फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? फिर से H प्लस की तो कमी है नहीं अपने पास, ये फिर से, यानी कि 6 कार्बन की रिंग के कीटोन से हमने क्या बनाया? 5 कार्बन का एसिड बना दिया, और बना कैसे? वाया साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट। अनस्टेबल था रिंग, पहले बनी, फिर क्या बन हुआ? रिंग का ओपनिंग हो गई, रिंग खत्म हो गई, ठीक है। चलिए आज की क्लास कर देते हैं आपकी, तीन आपकी रिएक्शन हुई आज, फेवरस की हुई, रिफर्मस्काई हुई, और कौन सी हुई?
एक और करवाई थी ना, दो ही करवाई। चलो ठीक है, आज की क्लास करते हैं।